हाय एवरीबॉडी, जो भी स्टूडेंट 11th बायो के हैं, चाहे वह झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, मैं उसको बायो के विषय में कुछ पढ़ाता हूँ। मैं संकल्प एजुकेशन देवघर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ एक बायो टीचर हूँ। मैं पिछले क्लास में भी 11th क्लास का इंट्रोडक्शन कुछ दिया था, आज हम फिर वही इंट्रोडक्शन का ही कुछ क्लास लेंगे। और आप लोग YouTube खोल करके देखेंगे, लाइक करेंगे और जो भी आपको पूछना है आप हमको WhatsApp नंबर से पूछ सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है 9431950704। इसी WhatsApp नंबर से आप मुझे कुछ भी बाय मैसेज पूछ सकते हैं। और अभी एक दो दिन मैं जनरल YouTube में क्लास लूँगा, उसके बाद एक दो दिन के बाद मेरा जो वीडियो है वही स्टूडेंट को सप्लाई होगा जो यहाँ पर एडमिशन ले लिए हैं और जो ग्रुप से जुड़ चुके हैं। अभी एक दो दिन मेरी पढ़ाई देख लीजिए, यदि आप लोग को लगे कि नहीं हम अच्छा पढ़ा सकते हैं तो अवश्य उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए और हमको व्हाट्सएप पर भेजिए, थैंक यू। उसके बाद हम पिछले क्लास में कुछ बायो का इंट्रोडक्शन दिए थे, लाइफ क्या है, लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, ये मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लिविंग थिंग्स, तो देखिए बंधु, हम लोग बायो साइंस में जिसको लाइफ साइंस कहते हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स, जीव के विषय में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। जीवों के विभिन्न पहलुओं के स्टडी को हम लोग बायो साइंस कहते हैं। टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग बींग्स, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लिविंग थिंग्स क्या है, तो सीधी सी बात है कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि संसार में जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन लिविंग, लिविंग एंड डेड, डेड मैटर। तो लिविंग कहते हैं जिसमें लाइफ प्रेजेंट रहता है, जिसमें लाइफ पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। लाइफ क्या है बता चुके हैं, लिविंग का कुछ अपना खास कैरेक्टर होता है वो भी बता चुके हैं। अब रही बात कि यह जो वर्ल्ड हम लोग देखते हैं, संसार देखते हैं, तो इसमें नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के जंतु सब भरे पड़े हैं। प्रश्न है कि इस संसार में जीव कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिविंग्स आर फाउंड इन दिस नेचर। तो जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक को प्लांट्स कहते हैं, दूसरे को एनिमल्स कहते हैं और तीसरे को माइक्रोब्स कहते हैं, सूक्ष्म जीवी। तो प्लांट भी जीव है, एनिमल तो है ही, माइक्रोब्स जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोब्स में पाए, उसको रखा गया है। तो मुख्यतः माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, वायरस ये सबको रखा गया है। तो प्लांट्स कहते हैं उस जीव को जो अपना फूड अपने से तैयार कर लेता है। दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज लिविंग थिंग्स विच आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, वे जीव जो अपना खास भोजन
खुद तैयार कर लेता है। तो जो जीव अपना आवश्यक भोजन, आवश्यक फूड खुद तैयार करता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, स्वपोषी एनिमल्स। उस जीव को कहते हैं जो अपना फूड अपने से तैयार नहीं कर सकता है, वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पर ही निर्भर करता है। तो जो जीव अपना फूड अपने से तैयार नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफ। माइक्रोब्स इसमें आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, तो यही माइक्रोब्स कहलाए। तो जीव को, सजीव को, लिविंग्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया। तो इस आधार पर बायोसाइंस को भी तीन भागों में बांट देंगे। तो जिसमें सिर्फ प्लांट्स का स्टडी किया जाता है उसको बॉटनी कहते हैं। तो आप इसको इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ प्लांट्स और हर्ब्स। एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स का स्टडी किया जाता है जूलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स जिसमें स्टडी किया जाता है इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का फिर दो पार्ट हो जाता है, वायरोलॉजी जिसमें सिर्फ वायरस का स्टडी किया जाता है, नेक्स्ट होता है बैक्टीरियोलॉजी जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया का स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से आपने लिविंग बींग्स को कैटेगराइज किया, बायोलॉजी को भी डिवाइड किया। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी देंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो प्रश्न उठता है कि यह जो पृथ्वी है, अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट है कि अर्थ पर ही लाइफ पाए जाते हैं, और भी दूसरे ग्रहों में होते हैं, अभी उसका कोई सही रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि अर्थ पर लाइफ आया कैसे, कहां से आया, किस तरह से उत्पन्न हुआ। उसी का एक छोटा सा हम लोग मतलब कि आइडिया लेते हैं। तो पहले इसमें कोई शक नहीं कि पहले पृथ्वी आई होगी तब ना लाइफ आया, कि पहले लाइफ की उसके बाद पृथ्वी, ऐसा नहीं। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उस पर लाइफ हुआ। तो देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। ऐसा आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि सन से डस्ट पार्टिकल, क्योंकि सन जो है लोग कहते हैं आग का एक गोला है, वहां पर बर्निंग होता है, तो उससे कुछ डस्ट पार्टिकल निकला और वह डस्ट पार्टिकल आपस में एक जगह जमा हो गया। फिर जमा होते होते वो आपस में कॉन्डेंस्ड हो गए, संघनित हो गए और एक सॉलिड बॉडी बन गया। तो सॉलिड बॉडी जब बन गया तो यही अर्थ का हुआ। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी का उम्र क्या है,
4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जो है सन से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई ये बताए। उसके बाद अर्थ जब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो वहां पर क्या हुआ, अर्थ पर एटम सब भी आ गए। जब अर्थ की उत्पत्ति हुई उसके साथ बहुत सारे एटम भी आए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में जबरदस्त रिएक्शन हो गया, फलस्वरूप भारी मात्रा में वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं था, हाइड्रोजन एटम था, ऑक्सीजन भी एटम फॉर्म में था, दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर बने और सारी पृथ्वी जो है वाटर में डूब गया और करीबन 3 लाख वर्ष तक पृथ्वी जो है पानी में ही डूबा रहा। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वहां पर कुछ लैंड पार्ट अलग हो गया और बाद बाकी पार्ट सीरा। अभी भी अर्थ का जो है 70% पार्ट अभी भी सी में है और ओनली 30% पार्ट सी से बाहर, जिसको लैंड पार्ट कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसमें देश महादेश ये सब है। तो यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए आज से ठीक 4.2 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 4.2 बिलियन वर्ष पहले सबसे पहले सी वाटर में एक लाइफ का ओरिजिन हुआ, लाइफ की उत्पत्ति हुई। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसमें अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल बन गए अर्थ में, अब अर्थ के सरफेस पर वाटर आ गए, तो बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन हो गया। क्योंकि केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट और बहुत सारे रिएक्शन में वाटर की जरूरत होती है। इसमें क्या हुआ, एटम्स जो है वह बन गए एलिमेंट में, एलिमेंट्स जो है वह आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बन गया, फिर मॉलिक्यूल जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ही न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ, न्यूक्लियोटाइड से फिर आरएनए का निर्माण हुआ, आरएनए से फिर डीएनए बना, डीएनए के बाद डीएनए से बन गया प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन गया, अब मेम्ब्रेन से प्रोटोप्लाज्म घिर गया, तो यह एक सूक्ष्म एक माइक्रो सेल का रूप ले लिया, यह फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ। इस फर्स्ट सेल लाइफ ऑर्गेनिज्म को कहा गया कोसरभेट। तो फर्स्ट लाइफ सी वाटर में आज से 4.2 बिलियन वर्ष पहले एक माइक्रो सेल के फॉर्म में आया, जिसका नाम कोसरभेट रखा गया। फिर इसी कोसरभेट से धीरे धीरे स्टेप वाइज बहुत तरह के जीव बनते चले गए। तो मैं एक शॉर्ट आइडिया आपको दिया कि अर्थ पर लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहां तक आप हम लोगों ने पढ़ा, अब देखिए आगे पढ़ना है। ये जो शब्द बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, द टर्म बायोलॉजी, इसको किसने दिया था,
proposed by एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लेमार्क। लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द हम लोगों को दिया, लेकिन लेमार्क के पहले ही जीवों के विषय में अध्ययन हो चुका था। तो 500 बीसी ईसा से 500 वर्ष पहले यूनान के एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिसको हम लोग अरस्तु कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जीवों का लिखित ज्ञान दिया और इन्होंने जो बुक लिखा जीवों के विषय में उसका नाम है उस बुक का जो एरिस्टो के द्वारा लिखा गया हिस्टोरिया एनिमेलियम, यही फर्स्ट बुक है बायोलॉजी का जो कि अरस्तु के द्वारा लिखा गया। इस आधार पर अरस्तु को एक सम्मान दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन बाद में देखा कि हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक में जो है सिर्फ एनिमल का ही वर्णन है, मधुमक्खी के विषय में बताया गया है, मुर्गी का अंडा, अंडा से बच्चा कैसे बनता है, ये सब का ज्ञान दिया गया है, प्लांट की कोई चर्चा इसमें नहीं है। तो बाद में इनको कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी। उसका प्लांट के विषय में लिखित ज्ञान देने वाला था जो अरस्तु का ही शिष्य था, स्टूडेंट था, थियोफ्रेस्टस। उनका नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने किसका वर्णन किया? प्लांट्स का। और इन्होंने इसका अपना एक बुक में इसका वर्णन किया है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटोरियम। उस बुक का क्या नाम रखा गया? हिस्टोरिया प्लेंटोरियम। तो थियोफ्रेस्टस को भी एक सम्मान प्राप्त हुआ, इनको सम्मान मिला फादर ऑफ बॉटनी। तो यही था बायोलॉजी का एक छोटा सा इतिहास। और अभी तो बायोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना वर्क किया है।
देखिए इंट्रोडक्शन में यहाँ तक है, हम लोगों को जो 12th क्लास में है उसमें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, 11th और 12th क्लास में फिर बायोलॉजी के कई ब्रांच हम लोगों को पढ़ना है। तो बायोलॉजी कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, इसके भी कई शाखाएं ब्रांचेज होते हैं। तो जैसे कि 11th में आप शुरू करते हैं, पहला चैप्टर दिया है टैक्सोनॉमी, इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग जीवों का वर्गीकरण, यानी इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, जीवों के वर्गीकरण का स्टडी करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए दिया है साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग एनिमल और प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और प्लांट्स एनिमल्स। उसके बाद एनाटॉमी, इसमें एनिमल और प्लांट का इंटरनल स्टडी करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्टोलॉजी, इसमें हम लोग टिशू के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है 11th में फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में वर्क्स ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड टिशू, टिशू और बॉडी पार्ट का वर्क क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ये सब का हम लोग स्टडी करेंगे। तो 11th में बंधु यही पढ़ना है आप लोगों को, टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो ये हुआ बायोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को सेल बायोलॉजी से, साइटोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी का शुरुआत प्राइमरी यहीं से होता है। जो स्टूडेंट को इस पर कॉन्सेप्ट आ जाता है, बाद बाकी और सब जो चैप्टर है वो आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। आप लोग अब नेक्स्ट साइकोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे।